अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, आपने कितने लोगों ने स्काई का लाइव व्यू देखा है? आपके 9 प्लैनेट्स स्काई में कैसे दिख रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, देखा है? देखा ही होगा काफी लोगों ने वैसे मेरे हिसाब से। हाँ जी भाई, अनम्यूट कर दिया, बोलो यस नो। नो मैम, नो मैम, मैम जी दो ही नो चीजें देखी है, चंद्रमा और मैम, सूर्य, बस नो यही मैम, देखे देखिए मैम, हैं। देखे देखिए हैं मैम, हाँ कम लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने नहीं देखा। किसी ने ये भी बोला कि हमने चंद्रमा सूरज ही देखे हैं बस। चलो सारे दिखा देती हूँ आज आपको, यहीं बैठे बैठे सारे 9 ग्रह के दर्शन। ठीक है, तो देखो आपका जो सोलर सिस्टम है ना, इस तरीके से चीजें उसमें दिखती हैं। सन सेंटर में है, हम जो बोलते हैं ना ऐसे ही स्टडीज किए हैं हमने, ऐसा नहीं है बोल ही रहे हैं। दिखता कैसे है ये देखो, एक सेकंड रुको। देखो हम यूरेनस, आपने यहाँ पे देखो यूरेनस कहाँ पे है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आसपास सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, फिर जुपिटर है, ठीक है, और सैटर्न देखो कहाँ है, दूर है। एक मिनट, सैटर्न कहाँ है, ये रहा देखो, सैटर्न कितना दूर है ना सन से, कितना दूर है सैटर्न। ये सब जो स्टोरीज बनी है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब यहीं से ही आई है कि सन और सैटर्न की क्यों नहीं बनती। ठीक है, तो जुपिटर से भी देखो, जुपिटर जहाँ पे है सन, उस सैटर्न उससे भी दूर है, लास्ट की बाउंड्री पर है। ठीक है, फिर जो यूरेनस है वो तो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, और अभी वो कहाँ है, प्लूटो। प्लूटो देखो कितनी दूर है, लेफ्ट में। ठीक है, फिर नेपच्यून देखो, नेपच्यून उससे भी दूर है ना। तो हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स ही क्यों आते हैं, क्योंकि सैटर्न, सैटर्न वाला एरिया देखो, सैटर्न वाली जो रिंग दिख रही है आपको रेड कलर से, है ना, इसके अंदर के ही जितने प्लैनेट्स हैं हम सिर्फ उनको ही स्टडी करते हैं। तो अभी जो टॉपिक बता रही हूँ ये वैसे एस्ट्रोलॉजी का है, पर आपको यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ लोग यूरेनस को राहु बोलते हैं और नेपच्यून को केतु बोलते हैं। कुंडली में भी बहुत लोग लिखवा देते हैं 4 नंबर इज इक्वल टू राहु नेपच्यून, 7 नंबर इज इक्वल टू केतु। केतु को नेपच्यून बोलते हैं, राहु को यूरेनस बोलते हैं, पर ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, राहु केतु तो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो मून की नोड्स हैं, इनविजिबल नोड्स हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि यूरेनस नेपच्यून राहु केतु से अलग होते हैं, सेम नहीं होते। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यही लिखवाते हैं 4 नंबर में, तो ये अलग होते हैं। ठीक है, और जब भी हम एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुंडली में आप देखना राहु केतु अलग लिखे होते हैं, यूरेनस नेपच्यून अलग होते हैं। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून को हम स्टडी नहीं करते, प्लूटो को हम स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत बहुत दूर हैं। जो चीज देखो पृथ्वी कहाँ पे, आप आइडिया लगा के देखो, प्लूटो को देखो यहाँ पे है, ठीक है, यूरेनस को देखो ग्रीन रिंग जो है, ठीक है, और सन अर्थ को देखो कहाँ है, अर्थ, एक मिनट, अर्थ देखो कहाँ है, छोटी सी अर्थ यहाँ पे है, और आपको आसपास दिख भी नहीं रहा होगा कहीं कुछ। ठीक है, तो अर्थ के आसपास बस यही प्लैनेट्स हैं, तो इसलिए जो अर्थ पे प्राणी रहते हैं उनके ऊपर सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता है। जो अर्थ के, अर्थ से बेहद दूर हैं उनके, उनका प्रभाव अर्थ पे, जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका प्रभाव बहुत नेग्लिजिबल है, 1-2% होगा, उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा लग रहा है कुछ देख दाग के? यस यस मैम, मैम, यस मैम, यस मैम, यस यस मैम, मैम, यस मैम, यस यस मैम, यस मैम, मैम, बहुत यस अच्छा। मैम। अर्थ कितनी सी दिख रही है आपको, इतनी सी, पूरे सोलर सिस्टम में इतनी सी दिख रही है, और उस उतनी सी भी अर्थ पे 800 हजार करोड़ तो लोग हैं,
कितनी सारी कंट्रीज हैं, कितना पानी है, कितने जीव जंतु हैं, उसमें से हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे और फिर भी इतना घमंड। ठीक है, तो ये फोटो इसलिए दिखाइए है कि घमंड में कुछ नहीं रखा। आप ये देख लिया करो मैप सोलर सिस्टम का, आपको अपनी वैल्यू समझ, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए खुद की, पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहता, रावण का भी नहीं रहा। तो इतनी सी अर्थ है, उसमें तो हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर उसका साइज देखने बैठ जाए तो इसलिए कभी भी मन में कुछ घमंड आए तो उसको, इसको याद कर लेना जो अभी फोटो दिखाई है सोलर सिस्टम वाली। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये जो फोटो दिखाई है ना, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं और हमारे जो 9 नंबर्स हैं उनकी जो क्वालिटीज है वो यहीं से ही होंगी सारी। सन, वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, और फिर इसके दूर कौन कौन है, जुपिटर, और सबसे आउटर बाउंड्री पे सैटर्न। ठीक है जी, जुपिटर फिर सैटर्न। इसलिए ही अगर आप कोई थ्योरी और भी ना पढ़ो, सिर्फ अगर आप सोलर सिस्टम को देख लो तो सन को देख लो और सैटर्न को देख लो। सन सबसे सेंटर में है, सारे प्लेनेट से घिरा हुआ है, और सैटर्न बिल्कुल ही एंड में है, एक तरफ एक कोने पे सन है, दूसरे कोने पे सैटर्न है। तो अगर हम कोई और स्टोरी भी नहीं जानते, अगर हम इतना ही देख लें तो हम ये इतना तो समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों में विचार मतभेद तो काफी होंगे जब इतनी दूरियां बना के रखी हुई है तो। ठीक है, साइंटिस्ट कहीं भी पहुंच जाए, मून पे पहुंच जाए, मार्स पे पहुंच जाए, कभी आपने सुना है कि सूर्य पे सोचने की भी हिम्मत हुई है आज तक किसी की? कभी सुना है कि साइंटिस्ट सन पे जा सकते हैं? सुना है आपने? गया है कोई? कोई सन पे गया है? ख्याल भी नहीं आ सकता किसी का। सन के पास तो छोड़ दो, उसकी विसिनिटी में ही कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम इसी चीज से, इसी ट्रेड से सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले 9 नंबर्स पढ़ेंगे। एक चीज बताइए मुझे, आज हम 1 to 9 नंबर्स को कवर करें या फिर मैंने आपको जो न्यूमरो लगन कुंडली बताया था वो टॉपिक करें? दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी आज, तो जितने ज्यादा लोग जो टॉपिक बोल लेंगे वही पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि मुझे ना शायद आज थोड़ा सर्वाइकल की वजह से ना नेक में वो हो रहा है पेन, तो एक टॉपिक पढ़ पाएंगे। लगन कुंडली मैम, कुंडली ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं मैम, लगन कुंडली कुंडली मैम, का बता कुंडली दीजिए के मैम। बारे में समझ गई। एक सेकेंड, आप सब लोग पेन पेपर लेके कॉपी लेके तो बैठे होंगे, उसके बिना समझ में नहीं आएगी ये। ठीक है, आपको ये कुंडली बनानी है अपनी, साथ साथ करते जाइए वरना समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नया टॉपिक है ना। हाँ जी, तो आपको एज इट इज लिखना है, आपको एक 3x3 की कुंडली बनानी है और उसमें इसी तरीके से लिखना है, बीच में फर्स्ट हाउस, फिर यहाँ सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। ठीक है, एक आप इस तरीके की कुंडली बना लो और दूसरी कुंडली में भी सेम यही कॉपी कर दो। एक सेकेंड, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा सब। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लो, ये जो 9 हाउसेज हैं इनकी पोजीशन फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना किसी के लिए भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो भी बर्थ डेट है, चलो दीपिका जी आप, आपसे कभी बात ही नहीं हुई मेरी आज तक, और ट्राई कर लेंगे, अभी मैं इनके एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, हेलो मैम, हेलो जी, एक मिनट रुको, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी, 12th अक्टूबर। एक मिनट, 12th अक्टूबर, 1989। एक मिनट, नहीं क्या, 12th अक्टूबर 19, नाइन ठीक है, इसमें हमें बी एंड डी एन ए नहीं निकालना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी डेट आ रही है उसको लिख लो। ठीक है, जैसे इनकी डेट आ रही है 12, प्लस इनका मंथ क्या आ रहा है 10, तो 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22 हो गया, फिर 22 को प्लस किया तो 4 हो गया, वो मेरे यार,
ठीक है दीपिका जी, जी मैम, हुआ ये हुआ, पता लगा कैसे हुआ ये? यस यस, जो भी डेट आ रही है उसको लिख लिया, जो भी मंथ आ रहा है उसको लिख लिया, दोनों को प्लस कर लिया, फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लिया। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर पहला आया, 4 आया, उसको फर्स्ट हाउस में लिख देंगे, जहाँ पे फर्स्ट हाउस की पोजीशन है। ठीक है, अब 4 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5। 5 कहाँ आएगा? जहाँ पे सेकंड हाउस लिखा है। फिर 6, 4, 5 के बाद 6 आता है, 6 कहाँ आएगा? जहाँ पे थर्ड हाउस लिखा है। ऐसे ही हम करते करते बढ़ते रहेंगे। फिर 6 के बाद 7 आता है, 7 कहाँ आएगा? फोर्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में क्या आएगा? 8। फिर यहाँ पे 9, 9 के बाद सीधा 1 आ जाएगा 7 में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम इससे प्रिडिक्शन करेंगे कि फर्स्ट हाउस में इनके 4 आ रहा है तो क्या होगा, सेकंड हाउस में 5 आ रहा है तो क्या होगा, थर्ड हाउस में 6 नंबर आ रहा है तो क्या होगा। ऐसे सबकी अलग अलग बनेगी लगन कुंडली। तो ये आपको रेडीमेड प्रिडिक्शंस मैं अभी लिखवाऊंगी, ठीक है? समझ में आया? नहीं? जी मैम, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो बोल पाए। एक सेकेंड, ये बोल बीच में बोल नहीं पा रही थी। पायल जग्गी जी, आप बताओ, बोल पाओगे ना? यस नो, अनम्यूट करो। जी मैम बोलिए। इनकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 26/9/92, 1992। एक मिनट, 26। 26/9 आगे, 1992। 1992। तो हमें लगन कुंडली में क्या करना होता है, मैं बताती हूँ। हमें ना सेम कुंडली दो बनानी है। आपको क्या करना है, एक कुंडली आपको डिफॉल्ट कुंडली रखनी है, ये ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे हाउस की पोजीशन सेम है। ठीक हाँ है, जी, अब फर्स्ट हाउस से फिल करना स्टार्ट करेंगे नंबर्स, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट जी हाउस में कौन सा नंबर आएगा, वो कैसे निकलेगा? आपकी जो डेट जी है, तो डेट क्या है? 26 प्लस 26 जो मंथ का नंबर है, 9, जी, 35 टोटल 35 हो गया। अब इसको सिंगल डिजिट में कर लो, कितना हो गया? 8। तो जी। फर्स्ट हाउस में तो आ गया आपका 8 नंबर। ठीक ओके है, अब फर्स्ट के बाद तो सेकंड हाउस ही होता है ना, तो जी, सेकंड हाउस में 8 के बाद का जो नंबर है वो आ जाएगा, 9 आ गया। फिर ओके सेकंड हाउस के बाद थर्ड हाउस आएगा, 9 जी, के बाद तो नंबर फिर से 1 2 9 रिपीट होते हैं, हाँ जी, तो थर्ड हाउस में 1 आ गया। आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, या आप खुद ही म्यूट कर लो अपने आपको। जी मैम, ठीक है, फिर थर्ड हाउस के बाद फोर्थ हाउस आएगा, फोर्थ हाउस में क्या होगा? 1 के बाद का जो नंबर है। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे। फिर फिफ्थ हाउस में 2 के बाद 3 आता है, सिक्स हाउस में फिर 4 आ गया, सेवन्थ हाउस में 5 आ गया, एट्थ हाउस में 6 आ गया, नाइन्थ हाउस में 7 आ गया। ठीक है, आया कुछ समझ में? यस और नो? यस मैम, यस मैम, समझ में नहीं आ रहा। यस मैम, यस मैम, आगे समझ में आ गया। मैम, यस मैम, यस यस लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। अरे ज्यादा खुशी में मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो इसको कोई नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किया मैंने इसके पहले से। ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल प्रिडिक्शंस लिखवा रही हूँ। फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर है तो क्या होगा, सेकंड हाउस में कोई भी नंबर है क्या होगा, ऐसे 1 to 9 हाउस तक सारे नंबर्स का लिखवा रही हूँ। तो आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, फर्स्ट हाउस में पहले लिखो फर्स्ट हाउस,
मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। हेडिंग डालनी है आपको फर्स्ट हाउस, ठीक है? फिर फर्स्ट हाउस के नीचे आपको 1, 2, 3, 9 ऐसे सारे नंबर्स लिख लेने हैं, कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर है तो उसकी प्रेडिक्शन हमें कैसे करनी है। ऐसे ही हम सारे हाउसेस के लिए कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखना स्टार्ट करिए। अगर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है किसी का, फर्स्ट हाउस में अगर किसी का नंबर 1 लिखा हुआ है तो उसको लगन बोला जाता है, ठीक है? और ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है उसमें, और किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद पे ही डिपेंड होता है, और रिस्पॉन्सिबल नेचर का होता है, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाता है, ठीक है? तो आप किसी को भी फटाफट से देख के उसकी लगन कुंडली बनाई और ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन देना स्टार्ट कर देना, अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अगर फर्स्ट हाउस में 2 नंबर है तो जो व्यक्ति होगा बहुत इमोशनल होगा, मतलब इमोशनल नेचर का होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा और क्रिएटिव होगा। और सपोर्टिव नेचर का होगा, सपोर्ट करने वाला होगा। अब उसमें अगर नंबर 3 है तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा, स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस होगा। क्रिएटिव आपको पता ही है कि क्या होता है, क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं बहुत ही अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब कुछ अलग हटके सोचना, क्रिएटिव माइंड वो होता है, कुछ भी क्रिएट कर लेना माइंड में, ठीक है? तो अलग ही क्वालिटी होती है ये। अब अगर 4 नंबर है किसी के फर्स्ट हाउस में तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और स्टर्बन, जिद्दी होगा। फाइव नंबर है तो इंटेलिजेंट होगा, एक्साइटेड रहेगा हमेशा, लाइफ को लेके एक्साइटमेंट रहेगा, बिजनेस माइंडेड होगा और कैलकुलेटिव माइंड होगा। सिक्स नंबर बैठा होगा तो लग्जरी लवर होगा, रोमांटिक होगा, मैरिज प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है, और रिलेशनशिप में फेलियर या चीटिंग या हार्ट ब्रेक कुछ भी हो सकता है। सेवन बैठा होगा तो फर्स्ट हाउस में लीडर होगा, स्पिरिचुअल होगा, और ऐसे लोगों की जो अप्रोच होती है ना, अप्रोच मतलब कनेक्शन या जान पहचान या कांटेक्ट बहुत हाई क्लास लोगों के साथ होते हैं इनके, इनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ रहता है। बोलते हैं ना उसकी तो इतनी अप्रोच है, वो तो ये काम करवा देगा, तो अप्रोच इनके हाई क्लास लोगों के साथ होती है। 8 अगर है फर्स्ट हाउस में, अप्स एंड डाउन्स काफी देता है, फादर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती ऐसे लोगों के, नाइन होगा किसी के फर्स्ट हाउस में, ऐसा व्यक्ति फ्रीडम लवर होगा,
हेल्पफुल नेचर का होगा और थोड़ा टेम्परामेंट हाई होता है, गरम मिजाज, लीडर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, हार्ड वर्कर भी होगा। अभी तो मैं लिखवा रही हूँ, ये क्विक प्रिडिक्शंस बहुत सारी बैठ जाएंगी इसमें। अभी हम सारे 9 हाउस की करेंगे तो कितनी बैठ जाएंगी। फिलहाल के लिए ये बताओ, आपको देखना आ गया, अपने अपना बनाया सबने लगन कुंडली? हाँ जी, सब नो लोग मैम, यस मैम, यस मैम बनाया मैच कर रहा है 100%। यस मैम, यस मैम, नो, जिन्होंने बनाया है उनसे पूछ रही हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया वो मत बोलना, जिन्होंने बना लिया है वो बताओ इसके हिसाब से मैच हो रहा है आपका, यस और नो? हाँ जी, यस 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 मैम, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, अगर किसी का बीच में रह गया तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके कर लेना, है ना? काफी सारे पॉइंट्स लिखवाने हैं ना अभी।